नमस्कार। इस वक्त की कॉलेज की परीक्षाओं से संबंधित एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। कॉलेज की फाइनल की परीक्षा रद्द पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। सितंबर में होने वाली अंतिम वर्षीय परीक्षाएं रद्द से संबंधित एक बड़ा फैसला निकल के सामने आ रहा है, जिसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो विद प्रूफ के साथ में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, साथ ही चैनल पे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट में एक बड़ी खबर, आप स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख पा रहे होंगे। फाइनल ईयर एग्जाम 2020 से सितंबर में होने वाली परीक्षा होगी रद्द। सुप्रीम कोर्ट कल सुना सकता है फैसला, यूजीसी केस पर फैसला। यानी कि ये तो साफ तौर पर हो सकता है कि सितंबर में जो होने वाली परीक्षा है वो रद्द होगी। साथियों लगातार हर राज्य इसका विरोध कर रहा है कि अब परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के हर दिन हजारों केस बढ़ रहे हैं, उसके चलते ये रद्द होनी चाहिए। देखिए देश के शीर्ष कोर्ट कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय और कॉलेज में होने वाली अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तारीख को लेकर आज फैसला नहीं सुनाएगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 26 अगस्त को सुनाई के लिए सूचीबद्ध नहीं है, ऐसे में अब गुरुवार को निर्णय सुनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने 30 सितंबर तक सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज को अंतिम वर्ष से सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। UGC के इस निर्देश के खिलाफ कोर्ट में कई याचिका दायर की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से भी देश भर के विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने का स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने UGC द्वारा अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई करते हुए बीते 18 अगस्त को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले में कोर्ट ये भी तय करेगा कि राज्य सरकार के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के खिलाफ निर्णय का अधिकार है या नहीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं करानी चाहिए। छात्रों के पिछले प्रदर्शन आंतरिक आंकलन के आधार पर ही नतीजे घोषित किए जाने चाहिए। हालांकि UGC और जो मानव संसाधन मंत्रालय वो ये कह रहा है कि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन साथियों ज्यादातर यहाँ पे जो उम्मीद दिखाई दे रहे हैं वो ये दे रही है कि परीक्षा रद्द होगी। परीक्षा किसी भी तौर पर है वो नहीं कराई जा सकती, क्योंकि साथियों हर राज्य यही चाह रहा है कि इस बार परीक्षा नहीं हो। कई राज्यों ने तो ऐलान कर दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और दिल्ली ने तो ये तक कर दिया है कि हम परीक्षाएं नहीं करवाएंगे और रद्द का आदेश तक जारी कर दिया है। तो साथियों इस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट है छात्रों इतने जल्दी फैसला ले सकता है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जुड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।